दो तीन जो इम्पोर्टेंट जगह था, एक जगह जो कटाव भी हो गया था वहाँ स्पॉट पर जाकर के देखे, और कुछ जो डिसीजन लिए हैं, अभी मीटिंग भी किया हम लोगों ने, कि जो जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक का लगभग 10.5 किलोमीटर में तटबंध का निर्माण और उस पर GSB माने मोटरेबल, GSB होता है कि मोटरेबल हो जाएगा, ये अगले बाढ़ से पहले कि ये काम कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस्माइलपुर बिन टोली तटबंध लगभग 10 किलोमीटर पहले से ही निर्मित है, जिस पर GSB का काम किया गया है। इस प्रकार कुल 20 किलोमीटर तटबंध के ऊपर GSB तटबंध हो जाएगा। आज जब मैं GSB बोल रहा हूँ तो लगभग वो पक्का रोड ही हुआ एक तरह से। इससे फायदा ये होगा कि जाह्नवी चौक से तीन टंगा की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर 20 किलोमीटर रहे, अतथा इस क्षेत्र के लिए एक एडिशनल कनेक्टिविटी हो जाए, उससे भी आप डायरेक्ट निकल सकते हैं। और उसमें जो एंटी फ्लड पुलिस बनना है टीम, जो कुछ काम शुरू हो गया था लेकिन मई से इतनी बारिश हुई कि काम कुछ रुक गया, तो जैसे ही बरसात ख़त्म होगा तीनों एंटी फ्लड पुलिस भी बन जाएगा, तो ये एक बड़ा मेजर काम यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार जो गंगा प्रसाद जमींदारी बांध है, इस बार वही था जो प्रोटेक्शन हुआ, जो अभ्या बाजार से लक्ष्मीपुर की का रेजिंग स्ट्रेंथनिंग कराकर उस पर भी GSB करा देंगे, वो भी एक एडिशनल रोड बन जाएगा। ये दो मेजर चीज़ था। कुछ अभी हमने इरिगेशन का भी, ये बटेश्वर स्थान में कुछ कुछ इशूज था, अभी गंगा पंप धार योजना का अभी हमारे विभाग के इंजीनियर ने, हमारे सेक्रेटरी और जिला प्रशासन के DM कमिश्नर साहब थे, उसको भी आगे रिजॉल्व करके जो बचा हुआ उसका काम है वो इस फ्लड सीजन के बाद, मतलब अक्टूबर से उस पर भी काम, इस मंथ में जो ज़मीन का इशू है वो रिजॉल्व कर लिया जाएगा और अक्टूबर से उस पर काम शुरू हो जाएगा। एक जो जानकारी आई, दो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक इशू ये है कि भागलपुर के लिए ज़रूरी विषय कि जो फरक्का है, हम लोग हमेशा बोलते रहे हैं कि जो फरक्का है, फरक्का का जो डिजाइन और डिस्चार्ज बना हुआ वो 27 लाख क्यूसेक पे बना कितना साल पहले, और आज जो पानी निकल जाता है गांधी घाट पटना में, जब पीक सीजन रहता है तो 32 लाख क्यूसेक पानी निकलता है, फरक्का से 15-16 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं निकलता। तो हम लोग लगातार बात रखते रहे हैं भारत सरकार में भी कि भाई फरक्का को दोबारा रीडिजाइन किया जाए, नहीं तो जितना ये गंगा के किनारे शहर है फरक्का के अपस्ट्रीम में, जिसमें भागलपुर भी आता है, ये समस्या आगे भी बढ़ती जाएगी। एक तो ये था बड़ा इशू। दूसरा, जो इस्माइलपुर बिंटोली के पास जो जहाज जाता है वो एक बड़ी समस्या कर रहा है। हम लोग जा करके भारत सरकार में ही बात रखेंगे, और जो हमारा स्पर है वो बिल्कुल उसके साइड से निकल करके वो जाने की कोशिश करता है, इससे भी एक समस्या आती है। तो ये कुछ इशूज है जो हम लोग, जो भारत सरकार से संबंधित है, और यहाँ जो कुछ काम करना है, खुद मुख्यमंत्री जी भी आ करके पूरा एक एक चीज़ को देख करके एरियल सर्वे करके गए थे, फिर यहाँ उतरे भी थे और जा करके चीज़ों को देखे थे आगे, तो इसको इस सीजन के बाद, लेकिन इस बार आप लोगों को पता है कि मई में पहले यश तूफान आ गया और उसके बाद जो बारिश हो रहा है वो तो बंद ही नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग अलर्ट है। वहाँ भी लोगों ने कहा कि डिपार्टमेंट के लोग अलर्ट थे, तो एक मेजर जो प्रॉब्लम हो सकता था जब इस्माइलपुर बिंटोली का सिंक कर गया वहाँ, कटाव को रोकने का और गंगा का पानी जो है गांव में प्रवेश ना करे उसको रोकने का कार्य किया जाएगा, किसी उस तरह का रोड मैप सर यहाँ पर भी किया बिल्कुल बनेगा ना। दरभंगा के पास गंगा नहीं, जो वहाँ पर नदी है उससे रिलेटेड वहाँ पर भी काम चल रहा है। एक बात मैं हमेशा बताता हूँ, ये एरिया तो गंगा के किनारे है, और इसका एक वजह मैंने बताया कि फरक्का में अगर ड्रेजिंग नहीं होगा, गाद नहीं निकाला जाएगा और उसका रीडिजाइन नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम आगे और बढ़ता जाएगा। हम लोग उठाते भी रहे हैं भारत सरकार में, क्योंकि ये बिहार सरकार से रिलेटेड इशू नहीं है और ये इंटरनेशनल इशू है, भारत सरकार को भी, बांग्लादेश भी इन्वॉल्व है इसमें, तो वो बात करके इसको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा सबकी सहमति बनाकर।
वो टाइम आ गया, और इमीडिएट जो काम करना है ये तो हो गया परमानेंट सॉल्यूशन वाली बात, या आगे समस्या आ रही है, लेकिन इमीडिएट जो काम करना है वो हम लोगों ने आज देखने के बाद यहाँ जब मीटिंग किया है तो दो तीन जो मेजर डिसीजन लिया है वो बताया आपको। एक दो बात और आई है तो उसके लिए हम लोग टेक्निकल टीम पटना से भेजेंगे, और वो आ करके जो कहीं बैकवाटर आ जाता है, कहीं और इशू है, वो लोग जैसा सलाह देंगे वैसा काम किया जाए। और कुछ अनियमितता भी पाई जो निरीक्षण किया? नहीं, अभी तो उस पर हम लोगों ने, अभी तो पर्पस था कि जो जो काम चल रहा है, आपके जानकारी में कोई बात हो जरूर बताइए।